हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। इधर आई है गर्मी छुट्टी मनाने के लिए अपना नानी के घर। गाइस, इधर हम और युवांश बाहर बैठे हुए हैं। युवांश इधर देखो, देखो देखो इधर 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 देखो। युवांश देखो क्या कर रहे हो तुम। ओए देखो युवांश नहीं दिखेगा। गाइस इधर समर चला साइकिल चलाने के लिए। शाम के टाइम वो निकल जाता साइकिल चलाने के लिए। बाय समर, बाय बाय। पापा मटन काट रहे अभी सारा। और पापा इधर कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पे। छोड़ने दीजिए पापा। पापा इधर मीट काट रहे हैं तो हमको बोल दे थोड़ा चला उला दो, ना तो प्याज जल जाएगा। इधर थोड़ा प्याज चला देते। हाँ तड़का बनेगा इसलिए दाल चढ़ा हुआ है। तो गाइस इधर पापा मसाला ऐड कर दिए। तो गाइस इधर पापा चला रहे हैं मीट। तो गाइस इधर युवांश अपना दादी के साथ खेल रहा है बाहर में। तो युवांश हाय हाय कर रहा तुम करो। तो ये क्या कर रहा है युवांश ऐसे क्या कर रहा है। चल रहे हैं मार्केट के लिए। तो पापा चले मार्केट। इधर ये तो गाइस पापा आधा बना करके मीट मसालों सला डाल के चले गए। उनको मार्केट जाना था पुलाव का चावल ये सब लेने के लिए काम था। तो फिलहाल हमको बोल दिए कि तुम तब तक बनाओ, हम आते हैं तब तक मार्केट से। तो चले हम ही बना देते हैं। इधर बगल में मटन रखा हुआ है। इधर मटन भून भूज के पानी डाल दिए हैं। तो गाइस इधर हमारा सहरा भी घर आ गया है। तो इधर मम्मी पानी भर दे रही। तो गाइस चलते पहले चाय बनाने के लिए। दूध का पैकेट ले लिए पड़ते। के लिए इधर तब तक मसाला कूट लेते तब तक इधर हमारा चाय हो रहा। वोल्टेज के कारण चाय भी जल्दी खोल नहीं रहा, इतना ज्यादा वोल्टेज कम है। तो अब जाके हमारा चाय खोल है। इसको थोड़ा कम फ्लेम पे करके अब
अच्छी तरह से दफना लेते हैं। गाइस चाय हो गया है रेडी, चलते हैं मम्मी और पापा दोनों को देने के लिए चाय। तो बहुत ज्यादा गर्म है चाय। लीजिए मम्मी चाय। मम्मी को दे दिया चाय। लीजिए पापा चाय। तो गाइस इधर पापा को भी दे दे रहे चाय पीने के लिए। इधर बैठे हुए हैं मेरे हस्बैंड जी, इधर गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए आई है दीदी घर में, और इधर दादी बैठी हुई तो बहुत ज्यादा गर्मी बैठे हुए हैं। ये है समर के पापा जी। तो गाइज ये है दादी का चाय, इधर हम अपना चाय रखे हैं। तो चलते हैं दादी को भी चाय दे देने के लिए। उधर पापा मम्मी को चाय दिए थे, इधर तो दादी चीनी वाला चाय पीती है। लीजिए दादी चाय। तो इधर दादी को भी चाय दे दे रहे हैं। तो गाइज इधर जितना का चाय बना है, बाकी जितना दूध बचा हुआ है मैं वो चढ़ा दे, क्योंकि गर्मी का टाइम है फट जाता है, तो इसीलिए पहले। इधर थोड़ा चाय हम भी रखे, थोड़ा चाय पी के हो जाते हैं रिलैक्स, उसके बाद काम करेंगे। बन गया। काफी ज्यादा बहुत टेस्टी बना है। तो गाइस जब तक हमारा पुलाव का चावल इधर सीज रहा, तब तक हम चलते हैं इधर आटा उटा सान के रख लेते हैं। और इधर तड़का के लिए प्याज और लहसुन और हरा मिर्च कूट के रख लिए, तो पुलाव के बाद तड़का बनाएंगे। इधर मेरा तड़का अभी सीज करके दाल रखा गया, तो इसका तड़का बनेगा। और इधर मटन भी बन गया मेरा, काफी ज्यादा गर्म है। तो गाइस हमारा मटन कुछ इस टाइप से बना हुआ है। तो मेरा चावल भी बन के हो गया है रेडी। अब चलते हैं हम फटाफट तड़का बनाने के लिए, उसके बाद रोटी बनाएंगे, उसके बाद फिर बनेगा। तो गाइस इधर हम तड़का बना रहे, तो इधर कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल डाल रहे, तो तेल उल डाल दिए, थोड़ा सा फिलहाल जल गया है, गरम चावल था वही सड़ गया। बल्ब भी एक ही है ना गाइस, तो उतना ज्यादा लाइट भी नहीं आता, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में भी। आई होप यू कि आप लोग भी एडजस्ट करिए। तो गाइस इधर हमारा बन के हो गया तड़का रेडी, चलते हैं पुलाव बनाने के लिए। तो ये घी, तो हम लोग पुलाव घी में बनाते हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या में बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा घी डला गया इसमें, मेरा काम नहीं है मुझे। तो गाइस घी कर दी है ऐड, घी है मिस्टी, रहा।
घी गरम होने का वेट करते तब तो मेरा घी गरम, तो डालते हैं प्याज वाले। आज हो गया है तो हम पुलाव का चावल चलते इसमें डाल देते हैं। इसमें नमक और गरम मसाला ऐड कर दिए हैं। खाना बनाना गाइस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा गर्मी है। तो गाइस बहुत ज्यादा गर्मी किया हुआ था तो हम खाना वाना बना के नहा लिए हैं, तो फिलहाल अभी कोई खाना खाया नहीं है तो अभी खाना खाएगा सब कोई। और फिर भी देख सकते हैं गाइस कि इतना ज्यादा गर्मी के नहाने के बाद भी पूरा पसीना चल ही रहा है। खाना पीना बन गया है तो इधर मिष्टी खाना खा रही है। क्या खा रही है मिष्टी? बोले मटन खा रहे हैं। अरे तुम तो मटन ली है, तुम मुर्गा बोलती है। इधर मम्मी सबका खाना निकाल दिए खाने के लिए गाइस, तो इधर मम्मी मटन काट रही है। इधर बड़ी दीदी सबके लिए रोटी निकाल दे रही है। जल जल्दी दीदी भी मिलके खाना खिला दे रही है क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा है हम लोग, तो सब मिलके हेल्प कर देते हैं जल जल्दी। तो गाइस इधर इतना ज्यादा गर्मी की दादी बाहर बैठी हुई पंखा लगा के आराम से। तो गाइस इधर जीजा जी भी खाना खा रहे हैं, लिए हुए हैं मटन रोटी। और इधर मिष्टी वो रूम में खा रही थी ना मिष्टी, तुम अभी तो फिर यहाँ इधर से रखा पी लिया बाहर जाने के लिए परेशान कर रहा। तो गाइस इधर पापा खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं तो पापा खाना खा रहे। तो इधर गाइस मम्मी बैठी हुई है सबको खाना खिलाने के लिए। तो गाइस वीडियो को करते एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।